प्रमुख सचिव नगर विकास ने शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिले के नगर विकास के कार्यों की समीक्षा की तथा आरजी आरएस के निस्तारण की समीक्षा की। इस दौरान एडीएम सिटी राकेश कुमार श्रीवास्तव, अपर नगर आयुक्त डीके सिन्हा, डूडा के परियोजना निदेशक तेज कुमार, संत प्रसाद विशाल श्रीवास्तव सहित संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। ई फॉरवर्डिंग भी कर सकते हैं, शिकायत ये ऑप्शन भी हम लोग आपको नियर फ्यूचर में दे देंगे। तो उसके बाद आपको आख्या लगानी, आख्या सबमिट करनी है, तो तीसरा बटन जो है आपको आख्या सबमिट करने का मिलता है। वहां पर जैसे ही क्लिक करेंगे, सबसे पहले वो पूछता है आपसे कि आवेदक की अपेक्षा के अनुसार निस्तारण हुआ है। देखिये बहुत इम्पोर्टेंट है, सबसे पहले पूछता है आपने कि क्या अपेक्षा के अनुरूप, शिकायतकर्ता की अपेक्षा के अनुरूप निस्तारण हुआ है। अगर आपने उसके अकॉर्डिंग किया है निस्तारण, तब तो कोई इशू नहीं। उसके बाद एक ड्रॉप डाउन आता है, उसमें आपसे वो पूछता है कि क्यों नहीं हुआ, फीडबैक नहीं लेता है, क्योंकि अगर वो नौकरी मांग रहा है तो आप नौकरी नहीं दे सकते, या आपके पास धंधा नहीं मतलब नहीं, वो सड़क कोई डिमांड कर रहा है तो आप सड़क नहीं बनवा सकते। क्वालिटी चेक होगी, अगर कोई गलत ऑप्शन सेलेक्ट करके एजीआर सबमिट कर देता है तो उसके खिलाफ एक्शन भी होता है। सबमिट करते समय अगर मांग श्रेणी का है तो आप सेलेक्ट कर देंगे कि ये मांग श्रेणी का है, सुझाव श्रेणी का है, या न्यायालय में कभी कभी नहीं वो प्रकरण लंबित होता है, उसकी वजह से आप उसका निस्तारण नहीं कर पाते। शिकायतकर्ता का मोबाइल नंबर उपलब्ध रहता है, तो जो हमारा एडमिन ऑफिसर है, किसी भी अपने आप के ऑफिसर को आप कह रहे हैं उससे एक बार कॉन्टेक्ट करो, कर शिकायतकर्ता से बात जरूर बता। कार्यालय स्तर पर लंबे करने का, लेकिन अगर उसने नेगेटिव फीडबैक दिया, वो असंतुष्ट रहता है, तो दोबारा फिर वो आपके पूरा जीवित होकर आपके इनबॉक्स में शो होने लगेगा, फिर दोबारा आप उसको